वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध एक्सपो ओएसएच इंडिया की मुंबई में भव्य रूप से शुरुआत। भारत में व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। आज आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया एवं AI इंटीग्रेशन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसी विषय पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में इन्फ्रो मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित OSH इंडिया 2022 ने व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा उद्योग के लिए अपने दरवाजे खोले। इस साल एक्सपो भारतीय उद्योग में व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने का 10 वर्षों का जश्न भी मनाया गया। यह एक्सपो गुणवत्ता पूर्व सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोडक्ट के डेमो तथा उद्योग उन्मुख सम्मेलन सत्रों के माध्यम से व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। देखिए मुंबई से हमारी यह रिपोर्ट। ये जो एग्जीबिशन है ये सेफ्टी रिलेटेड एग्जीबिशन है। यहाँ पर इंडस्ट्री जो सेफ्टी के इश्यूज फेस करते हैं या काम की जगह पर किसी सेफ्टी के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए यहाँ पर उनको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, या कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए या कुछ अरेंजमेंट्स करनी है सेफ्टी के लिए तो वो उनको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल सकते हैं। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सेफ्टी जो है केवल काम की जगह पर सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, तो हम जिंदगी के राइट फ्रॉम होम टू टूम मतलब हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक हमको सेफ्टी देखना है। वेदर हम कहीं काम पर जा रहे हैं, घर पर है, बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हर जगह पर हमको सेफ्टी देखना है तो ये, और उसके जो कानून जो नियम बने हैं उसका पालन करना है। इंडियन मार्केट्स को कितना लाभ होगा जो आज का एग्रीशन? इंडियन मार्केट्स को काफ़ी अच्छा, इंडियन इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा इसमें से कि आई होप दैट कि इसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट्स हम प्रिवेंट कर पाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के? हाय, सो वेलकम टू ऑश इंडिया। ये हमारा 10वां एडिशन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी शो का। ये हमने बहुत छोटे पैमाने पे चालू किया था नेहरू सेंटर में अराउंड 40 एग्जिबिटर्स से, लेकिन ये जो एक 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 मोमेंटम है बिकॉज ये हेल्थ एंड सेफ्टी जो मिशन है तो ये मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। एंड ये साल हमको सबसे बड़ा ऑश शो जो हमने कर रहे यहाँ पे निस्को में गोरेगांव में टुडे शो है विच इज़ ओवर 160 एग्जिबिटर्स, 200 प्लस ब्रांड्स, अराउंड 20% इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स भी आए हुए हैं ये शो में। सो एक नई इसमें आई वुड से इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोमेंटम एंड क्रांति जो देखी जा रही है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के डायरेक्शन में हो रही है। एंड स्पेशली ये 2 साल में जो पैंडमिक के थे उसमें बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो ये सारे एग्जिबिशन में अभी आपको देखने मिलेंगे। आज हमारे यहाँ पे इनॉग्रेशन में डिश महाराष्ट्र थे, अभी डिश फ्रॉम कर्नाटका हैज जॉइंड फॉर दिस शो, तो दे आर ऑल्सो वेरी प्रीटी प्लीज विद सीइंग द प्रोडक्ट्स। अभी उनके साथ ही राउंड लेके आ रहा हूँ और जो इम्प्रेसिव लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है। सो एनी थिंग एंड ये हेल्थ एंड सेफ्टी देखा जाए तो हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में हो, मैरिटाइम में हो, माइनिंग में हो, सो ये इट कट्स अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज। सो ये एक शो है जहाँ पे आपको विजिटर्स सारे इंडस्ट्रीज से आएंगे। इन 2 दिन में हम एक्सपेक्ट अराउंड 7,000 to 8,000 विजिटर्स आने वाले हैं जो बिजनेस से ट्रेड से रिलेटेड है ये शो में। सो ये साउथ का जो शो है वो ओनली फॉर साउथ इंडिया मार्केट है, बट ये जो मुंबई का शो है ये पैन इंडिया शो है, तो यहाँ पे सारे इंडिया से विजिटर्स आते हैं। 160 प्लस कंपनीज है यहाँ पे। सो ये शो यहाँ पे आपको हार्ड हैट से हेलमेट से लेके ग्लव्स से लेके आपका जो भी सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स है आपके स्कैफोल्डिंग से लेके सब कुछ सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपको देखने के लिए एक ही शो फ्लोर पे। Absolutely, I think fabulous. I think around over 20,000 plus free registrations are you ये show के लिए 20,000 से ज़्यादा। आगे आप 10 साल हो गया, अगले एडिशन में क्या स्पेशल कुछ करने वाले हैं दर्शकों के लिए?
इनफैक्ट ये साल में ही हमारे आज शाम को ऑश अवार्ड्स है जो 8वीं एडिशन के हैं। सो सारे जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इनोवेशंस है और जो हीरोज हैं उनको आज शाम को हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। प्लस यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी जो हो रहा है, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पे सारे टॉपिक्स पे बातें हो रही है जो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। नेक्स्ट ईयर जो हम लोग आ रहे हैं ये और बड़ा होने वाला शो, ये 3 दिन का शो हो रहा है बिकॉज ये अभी बहुत बड़ा शो हो चुका है और यहाँ पे 2 दिन में उतना बिजनेस करने के लिए टाइम कम पड़ रहा है। सो हम लोग ये 3 दिन का शो करेंगे और यहाँ पे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को आके डिस्कस और मीट करके और बिजनेस करने के लिए। डेफिनेटली आई थिंक सी मोस्ट पर्पज इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ दिस एग्जीबिशन टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। सेफ्टी इज हैज टू बी ए पार्ट ऑफ कल्चर। सेफ्टी अब देखा जाए कि ऐसे नहीं हो जाए कि आज एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, मैनेजमेंट ऐसे देख रहे, पहले ऐसे देखा जाता था लेकिन आज मैनेजमेंट्स ने वो अडॉप्ट कर लिया। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हमारे वर्कर्स को सेफ कैसे किया जाए, उसकी वजह से बहुत सारे आगे की कॉस्ट बढ़ती है, लाइफ बचती है। सो एक नया सेफ्टी कल्चर जो अपने कंपनी और अपने इंडिया में जो आ रहा है, ये वी आर हैप्पी दैट ऑश हमने जो 10 साल पहले चालू किया था वो अभी वो एक नया मोमेंटम बन चुका है। तो इंटरनेशनल ये साल भी अराउंड 20% इंटरनेशनल कंपनीज ये साल भी आई हुई है ऑलरेडी। सो ये दिस इज द इंटरनेशनल एग्जीबिशन ओनली विच इज देयर। आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी देखने मिलती है और लोकल यहाँ पे, बट ये इंडस्ट्री में इंडिया ऑल्सो इज प्रेटी फॉरवर्ड, अपने वी ऑल्सो एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। सुनाई नहीं दे रहे, बताइए। दर्शकों से यही कहना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे जो अभी एग्जीबिशन बैठा हुआ है वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर से जो जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को श्रेष्ठता देने के लिए ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। तो दर्शकों को ये जानकारी जाने में अच्छी हो जाएगी कि भारत में बने जो प्रोडक्ट्स है वो भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है और अधिकतर यहाँ पे जो एग्जीबिटर्स हमारे मित्र जो एग्जीबिट कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिटर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको यहाँ देखने के लिए वो बहुत सुविधाकारक रहेगा कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी खुद की सुरक्षता बढ़ा सकते हैं। यस, आज के डेट में सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो गई है, जो अपने यहाँ उपकरण हैं उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? कोविड के बाद खास करके देश में सेफ्टी का इस्तेमाल करना या सेफ्टी की जानकारी बहुत बढ़ चुकी है। एक ही समस्या है यहाँ पे कि लोगों को जानकारी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा है लेकिन उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है कि मैं क्या उपलब्ध कर सकता हूँ। कोविड के टाइम लोगों को मालूम था कि मास्क इस्तेमाल करना है लेकिन किस किस्म का मास्क इस्तेमाल करना है ये जानकारी नहीं थी, वो यहाँ पे वो जान जाएगी। लोगों को मालूम है कंस्ट्रक्शन में हेलमेट इस्तेमाल करना है लेकिन अलग अलग हेलमेट अलग अलग क्षेत्रों के लिए है या अलग अलग आग के प्रोटेक्शन या अलग अलग ड्रेस जो है ये सब चीज़ अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चीज़ बनती है, ये लोगों को और दर्शकों को मालूम नहीं है, उसकी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। हम ये भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग आएंगे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये एग्जीबिशन को जानने के लिए कि यहाँ के जो प्रोडक्शन के जो लोग हैं इनकी दिक्कतें क्या है, जिससे कि वो अधिक से अधिक दर्शकों को और लोगों के पास ले जाए। डॉक्टर अक्षित, टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन। क्या कहेंगे आज का जो एग्जीबिशन है, 10वां साल है, काफ़ी कंपनियां यहां पार्टिसिपेट कर रही है, दर्शकों को क्या कहेंगे? No, this actually OSH India ka jo show hai, from I am from the Indian Technical Textile Industries Association and we are associated with OSH India program for last at least 5 to 6 years out of these 10 years, and we are finding that this particular exhibition actually the products which are displayed and also the concepts in the talked in this conferences are very good and useful for the industry, and they should also know about which are the products, the right products are to be used for that safety, for that human safety and their aspects. So that is why we are, the exhibition gives you the idea about the products and also the various concepts how to use them
is also discussed in the conference. So it's a unique conference, and we are actually associated with the informal markets for so many years, and they are doing a good job. Sir, आप लोग 10 साल से इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है? इंजरी वगैरह पहले कितनी होती थी, अब कैसे हो रही है, कितना कम हम हम इसको I will answer this question because I come from the safety field. Last 10 years, we have been participating in this exhibition. The quality of visitors has dramatically changed, and all credits to the OSH management. The quality of visitors have increased from all over the place or industry. We find a lot of people who are reselling the product. They are coming here. Students are coming here. So with the result, today when I am going to industries, unfortunately we are not seeing so much increase in the occupational health diseases. But we find that customers' awareness has increased, that they want a higher level of protection. And I think OSH is going to be a meeting ground for people to understand that higher level of protection is also available. So that is a big change that OSH has made to the end users as well as to the people who recommend the product, or the dealers or the resellers and the end users.